शाम 7 बजे का वक्त, बोरीवली स्टेशन से एक लोकल चर्च गेट के लिए रवाना हुई। उसके पहले की लोकल रफ्तार पकड़ अचानक तेज ब्रेक के साथ लोकल रुक गई। लोकल बोरीवली स्टेशन के बाहर निकल चुकी थी, सिग्नल रेड था। लोकल को रोकना मोटर मैन की मजबूरी थी। सब कुछ सामान्य था। अचानक महिला डिब्बे में एक शख्स की एंट्री होती है। उसके बाद डिब्बे में जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। डर और खौफ की ये कहानी है रेशमा और उसकी मां नैना की। मोबाइल के लालच में एक शख्स ने रेशमा को चलती लोकल से फेंकने की पूरी कोशिश की। महिला डिब्बे में वो शख्स रेशमा को मारकर पैर पकड़कर दरवाजे तक घसीट लाया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता तब तक स्टेशन आ चुका था। दिल को दहला देने वाली ये वारदात बोरीवली से चर्चगेट जाने वाली ट्रेन की है। ये वारदात 23 सितंबर 2021 की शाम 7:11 की चर्चगेट लोकल की है। रोज की तरह लोकल अपने समय पर बोरीवली से चली जरूर, लेकिन आगे जाकर सिग्नल पर रुक गई। लोकल के दोबारा शुरू होते ही अचानक लोकल में एक शख्स चढ़ जाता है, रेशमा की जीन्स की जेब में रखे मोबाइल को निकालने की कोशिश करने लगता है। रेशमा उसे 2 तमाचे जड़ देती है। गुस्से में वो रेशमा की जांग पकड़ता है, मोबाइल निकालता है और रेशमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने के लिए दरवाजे तक ले जाता है। 25 से 30 महिलाएं डिब्बे में होती है। महिला डिब्बे में रेशमा का शोर शराब। रेशमा कभी भी लोकल से बाहर फेंकी जा सकती थी। रेशमा किसी अनहोनी से डरी सहमी लाचार, कुछ होश नहीं, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मेरे सामने कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं। मैंने वो औरत का शक्ल तब तक नहीं देखा था जब तक मैं पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मुझे पता भी नहीं था कि किसने मुझे बचाया। हाँ, बस इतना पता है किसी के हाथों ने मेरे को पीछे घसीटा। RPF या GRP के लिए ये महज एक केस हो सकता है, लेकिन किसी के लिए रेशमा पूरी जिंदगी है। मैंने कैसे कैसे घर घर में काम कर करके मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया। मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। खुदा रसूल हर एक बला मुसीबत से उसके पूरे खानदान को बचाए। बहुत अच्छी है, बहुत नसीब से मेरी बच्ची मुझे मिली है सर। रेशमा उसकी मां नैना की पूरी जिंदगी है। शौहर 15 साल पहले तलाक दे चुका है, तब रेशमा सिर्फ 7 साल की थी। अनपढ़ माँ ने लोगों के घरों में काम कर रेशमा को बड़ा किया। रेशमा के साथ बीती वारदात से माँ बेटी अब पूरी तरह सदमे में है। एक्चुअली तब मुझे पता भी नहीं था, इवन मैंने अपने पापा का शक्ल तक याद नहीं मुझे कि मेरे पापा दिखते कैसे हैं। उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं किया मुझसे मिलने का, वो मेरे से दूर है। मैंने एक बार ट्राई किया बट वो मिलना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं कोई इंसान समझता ये सब चीज़ के किस लिए, कैसे कैसे माँ बाप अपने बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बस उनके लिए एक हाथ सा काफी होता है। ये कहाँ का इंसाफ है। भगवान होते हैं, आज तक किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन होते जरूर है। रेशमा और नैना के लिए तो नीता भोसले किसी भगवान या खुदा से कम नहीं है। रेशमा और नैना के लिए यदि नीता भगवान हो सकती है तो GRP और RPF के लिए भी ये फक्र की बात है। हो भी क्यों ना, नीता भोसले मौकाए वारदात पर बगैर ड्रेस वाली सिपाही जो थी, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर रेशमा की जान बचाई, लिहाजा उनका सम्मान तो बनता है। बोरीवली में उन्हें उनके फर्ज को सराहा गया। नीता भी उस हादसे को याद कर सिहर जाती है। चलती लोकल से रेशमा को बचाने का नीता का जज्बा तारीफ काबिल है। आज किसी नीता ने किसी रेशमा का थामा। मुझे वो सिर्फ लड़की दिखाई दे रही थी उस टाइम पे, उसकी हेल्प करना और उसको बचाना वो मेरे मन में था। मुझे बाकी कुछ पता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मैं ही वहाँ पे थी, तो उसको मैंने सडनली बहुत टाइट तरीके से पकड़ के रखा था। शायद मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये आज किसी नीता ने किसी रेशमा का हाथ थामा, यकीन है कल कोई रेशमा किसी नीता का ऐसे ही हाथ थामेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।